नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। दोस्तों आज 30 अप्रैल को रिलायंस का, HUL का और टेक महिंद्रा का रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर फोर का, जिसमें से टेक महिंद्रा का रिजल्ट आ चुका है। तो आपको इसमें टेक महिंद्रा के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में बताएंगे, जैसे रिलायंस का, HUL का रिजल्ट आता है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि ये रिजल्ट मार्केट के डायरेक्शन को तय करेगा। अभी आप देख रहे हैं मार्केट में बहुत ही तेज मोमेंटम आपको देखने मिल रहा है। निफ्टी आज भी 200 से 300 पॉइंट तक अप है। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि क्या मार्केट अप ट्रेंड में है, क्या मार्केट और कितना ऊपर जाएगा, बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। तो ये सारे रिजल्ट जो है ये मार्केट के डायरेक्शन को तय करेगा कि लॉन्ग टर्म में मार्केट में तेजी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। तो चलिए हम क्वार्टर फोर के रिजल्ट को देखते हैं कि टेक महिंद्रा का क्वार्टर फोर का रिजल्ट कैसा आया, क्योंकि जो निफ्टी 50 में TCS है उसका रिजल्ट आपने देखा था कि लगभग न्यूट्रल आया था, इन्फोसिस का थोड़ा इफेक्टेड हुआ था। इस तरह से तो आप टेक महिंद्रा देखते हैं, तो इस तरह से सारे जो स्टॉक्स का रिजल्ट आ रहा है वो इस क्वार्टर में इतने प्रभावित हैं। तो अगले क्वार्टर में आएंगे तो इसके रिजल्ट कितने प्रभावित होंगे वो आप सोच सकते हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन है अगर और आगे बढ़ता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इन कंपनियों के रिजल्ट पर। तो जिससे इन कंपनियों के स्टॉक बहुत ही नीचे आपको देखने मिल सकते हैं, मतलब करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना है कि जिस कंपनियों के स्टॉक आपको चीप वैल्यू पे मिले, इंटरेस्टिंग वैल्यू से नीचे मिले, तो उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए सोचें जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो और इंटरेस्टिंग वैल्यू से नीचे मिल रहा हो। इंटरेस्टिंग वैल्यू होता है मतलब रियल वैल्यू, जो कंपनी का फंडामेंटल्स है, जो कंपनी का रिपुटेशन है, उसके अनुसार जो प्राइस होना चाहिए। आप जो फंडामेंटल्स के अनुसार प्राइस कैलकुलेट करते हैं सारे बेसिस पर, उससे अगर नीचे वैल्यू मिल रहा है तो वो होता है इंटरेस्टिंग वैल्यू से नीचे। और इंटरेस्टिंग वैल्यू से नीचे मिल रहा है तो जरूर इन्वेस्ट करें अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में। तो यहाँ पर देख लीजिए टेक महिंद्रा का जो रिजल्ट है क्वार्टर फोर का, करा प्रॉफिट फॉल्स 29%। तो किस कारण से इतना प्रॉफिट फॉल किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस, मात्र आप समझ सकते हैं मार्च में कुछ ही दिनों लॉकडाउन हुआ है, जिसके कारण 29% देख सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट में प्रॉफिट में फॉल्स हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो फिर आप समझ सकते हैं कि जब रिजल्ट हमारा आएगा अगले क्वार्टर का तो उसका रिजल्ट कितना प्रभावित होगा। जब मात्र इस महीने में 10-15 दिनों में इतना रिजल्ट प्रभावित हुआ है, तो अगले क्वार्टर के रिजल्ट में कितना रिजल्ट में फॉल आएगा, प्रॉफिट में फॉल आएगा, वो आप समझ सकते हैं। रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। करें मिसेस द एस्टिमेट, मतलब जितना एस्टिमेट किया गया था कि प्रॉफिट इतना फॉल करेगा, उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट में फॉल हुआ है, मतलब उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट में कमी आई है। तो फर्म अनाउंसेस डिविडेंड ऑफ RS 5 पर शेयर, ₹5 का डिविडेंड हर शेयर पर अनाउंस किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टेक महिंद्रा ऑन थर्सडे पोस्टेड ए 29% ईयर ऑन ईयर फॉल इन कंसोलिडेट प्रॉफिट एट ₹803.95 करोड़ फॉर द क्वार्टर इंडेड March 31। जो मार्च इंड किया क्वार्टर, उसके लिए इतना का प्रॉफिट, 803 करोड़ का प्रॉफिट अनाउंस किया है। कराए फर्म रिपोर्टेड मार्च क्वार्टर रेवेन्यू एट ₹9,490 करोड़, अप 6.72%। जो रेवेन्यू है वो 6.72% इंक्रीज किया है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 29% फॉल किया है, ये भी आप याद रखेंगे। ओवर इतना इन सेम क्वार्टर ईयर ओगो, और यहाँ पर जो बोला है कि जो पिछला क्वार्टर था पिछले साल का, मतलब मार्च क्वार्टर जो 2019 का था, उस क्वार्टर के तुलना में ये जो हमारा क्वार्टर फोर है ये 2020 का, मतलब जो फाइनेंशियल 2019-20 है, इसमें जो इस क्वार्टर का रेवेन्यू है वो इंक्रीज किया है पिछले साल के मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में 6.72% से। और जो इस बार का एस्टीमेट था, जो इकोनॉमिक टाइम्स है, इकोनॉमिक टाइम्स पर जो एस्टीमेट लगाया गया था सारे एक्सपर्ट के द्वारा, 1,012 करोड़ का लगाया गया था प्रॉफिट आने का, उससे देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कम आया है, मतलब जो एक्सपर्ट का एस्टीमेट था उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में फॉल हुआ है। तो आप समझ सकते हैं ये स्टॉक इस रिजल्ट से कितना प्रभावित होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपको जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हैं उस स्टॉक का रिजल्ट कब आने वाला है, किस क्वार्टर का, किस ईयर ऑन ईयर बेसिस, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पी गुरनानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन्होंने बोला कि COVID-19 जो है IT इंडस्ट्री में एक बहुत ही अनसर्टेन चेंज ला दिया है,
और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रिमोट वर्किंग और नेटवर्क मॉडरेशन पे वर्क कर रहे हैं, जो कि आगे मीडियम टर्म में ये रिकवर करेगा। और साथ ही साथ बोला कि हम सस्टेनेबल सॉल्यूशन और कस्टमर इलेमनिंग पर बहुत ही ज़्यादा कमिटेड हैं डिलीवर करने के लिए, जो सस्टेनेबल सॉल्यूशन है और कस्टमर इलेमनिंग है। तो साथ ही साथ आप देखते हैं 5 रुपीज़ का डिविडेंड, ये तो आपको हमने ऑलरेडी ही बता दिया। तो और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, फिर हम इसके शेयर को भी देखेंगे आपको किस लेवल पे इसे बाय करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो हमारा टेक महिंद्रा है उसके एम्प्लॉय में इस साल ईयर ऑन ईयर बेसिस 4154 एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और यहाँ देख सकते हैं कि टेक महिंद्रा एक्टिव क्लाइंट्स इंक्रीज 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू 973 इन Q4 फाइनेंशियल 20। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट देखना है कि क्लाइंट में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जो IT कंपनियां हैं उसका जो बिहेवियर है, उसका जो रिपुटेशन है, ये कंपनी का जो ब्रांड वैल्यू है उसे बनाता है। उसका जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ही मायने रखता है IT कंपनियों में। तो देख सकते हैं कस्टमर का जो के साथ जो बिहेवियर है और कस्टमर जो इंक्रीज है, ये दिखाता है कंपनी के ग्रोथ के कह रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर केस कन्वर्सन टू प्रॉफिट, केस का जो कन्वर्सन है प्रॉफिट में आफ्टर टैक्स फॉर फाइनेंशियल 20 स्टूड एट इतना परसेंट। तो केस का जो कन्वर्सन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में फाइनेंशियल 20 में 92.22% हुआ है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे टेक महिंद्रा के रिजल्ट के बारे में। अब हम इसके स्टॉक्स पे चलते हैं। तो अभी जो देख सकते हैं करेंट मार्केट प्राइस है जो टेक महिंद्रा का, वो है 545 रुपीज़ 95 पैसा, और आज ये 17 रुपीज़ 25 पैसा अब है 3.26% से। और आज का जो ओपन प्राइस था 541 रुपीज़ था, हाई गया 552 रुपीज़ तक, लो बनाया 532 रुपीज़ का। और इसका पी रेशियो देख सकते हैं 11.11 है, पी रेशियो जो है टेक महिंद्रा का 11.11 है। और डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं कितना शानदार है, 3.11% का डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार है टेक महिंद्रा का। और जैसे TCS है, इन्फोसिस है, उन सभी कंपनियों में IT कंपनियों का भी आप डिविडेंड यील्ड देखते होंगे बहुत ही शानदार है। तो उसी तरह से 52 वीक हाई देख सकते हैं 846 रुपीज़ है, और अभी आपको ये स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है। अभी जो आपको ये स्टॉक्स है बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, देख सकते हैं इसका जो यहाँ पर हाई प्राइस था, देख सकते हैं इस हाई प्राइस से आपको दिखा सकते हैं कितना डिस्काउंट में मिल रहा है, 34.55%। तो 35% डिस्काउंट पे ये स्टॉक्स अभी आपको मिल रहा है अपने 52 वीक हाई से। तो देख सकते हैं मतलब जो फरवरी में इसका प्राइस था उससे 35% डिस्काउंट पे मिल रहा है। आगे आप इसमें वेट करेंगे तो और ज़्यादा आपको डिस्काउंट में मिल सकता है, थोड़ा करेक्शन इसमें आने दीजिए क्योंकि अगले क्वार्टर का रिजल्ट आता है, तो हो सकता है इसमें करेक्शन आए, क्योंकि जब तक मार्केट में गिरावट नहीं होगी तब तक स्टॉक में गिरावट की संभावना आप कम व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे मार्केट की गिरावट आती है तो इन सब स्टॉक्स में और भी गिरावट आएगी। ऐसे आपका अपना रुपया है, आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कब करेंगे, ये आपको डिसीजन लेना है। हम सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कौन से स्टॉक्स अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये सारे बातें आपको पता होना चाहिए, मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट कौन सी कंपनियाँ कैसी रिजल्ट पेश कर रही है, कौन से कंपनी फंडामेंटल्स कैसा है, कैसा परफॉर्म वो आगे करने वाला है। तो उसी में से आपको अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करना है जो आपको लगे, और जो आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र सलाह दें उनसे सलाह अवश्य लें, और सारी चीज़ें करने के बाद निर्णय लेना आपका काम है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।